हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेके और ये टॉपिक है लॉरेंट सीरीज़। इससे पहले मैंने आपके सामने टेलर सीरीज़ को समझाया था कि टेलर सीरीज़ का ही एक्सपांशन है लॉरेंट सीरीज़। लॉरेंट सीरीज़ होता क्या है, जब हमने टेलर सीरीज़ पढ़ा था तब वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टेलर सीरीज़ का एक्सपांशन तभी पॉसिबल है जब फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। बट लॉरेंट सीरीज़ में ऐसा है कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो भी हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं, पर वहाँ टेलर सीरीज़ में नहीं कर सकते, हम लॉरेंट सीरीज़ में ऐसा कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए, इफ़ वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सपांड एफ जेड अबाउट ए पॉइंट वेयर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, राइट, देन इट कैन बी एक्सपांडेड बाय द लॉरेंट सीरीज एंड नॉट बाय टेलर सीरीज। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लॉरेंट सीरीज से कर सकते हैं पर टेलर सीरीज से नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे मैं, ये मेरा लगभग फिफ्थ नंबर का लेक्चर है, फिफ्थ या सिक्स नंबर का लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपके सामने एनालिटिक फंक्शन के बारे में बताया था, कोचरीमान इक्वेशन सेकंड वीडियो जो मैंने लगाया था वो बताया था कि कैसे हम अगर कोई फंक्शनैलिटी है तो उसका रियल पार्ट देखा तो इमेजिनरी निकालते हैं, इमेजिनरी देखा तो रियल निकालते हैं। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन समझाया था। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको टेलर सीरीज के बारे में बताया। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कोचरीमान इक्वेशन, कोची रेसिड्यू थ्योरम, क्वांटम इंटीग्रेशन, ये सब भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये सब मेरे वीडियोस आप अपलोडेड हैं, ये आप देख सकते हैं आई टिप के अंदर। और जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ लिखते रहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, सो देट हम उसको क्लियर करें। सो देखिए, अब टेलर सीरीज लॉरेंट सीरीज का स्टेटमेंट क्या है। इफ एफ जेड इज एनालिटिक ऑन सी वन एंड सी टू एंड एन्यूल रीजन आर, मतलब ये कोई फंक्शन एनालिटिक है सी वन और सी टू पे और इस एन्यूल रीजन पे, इस पे फंक्शन क्या है मेरा एनालिटिक है, राइट। इसके अलावा पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, मतलब जो अंदर का रीजन है उस पे एनालिटिक नहीं है, है ना। एनुअल रीजन आर बाउंडेड बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल सी वन एंड सी टू, क्लियर है, ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू, जहां पर आर वन छोटी है, आई मीन आर टू छोटी है और आर वन बड़ा है, एंड विद द सेंटर ए, देन एफ जेड इज इक्वल टू ए जीरो ए वन जेड माइनस ए, ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बी वन अपॉन जेड माइनस ए, बी टू अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ दिस लॉरेंट सीरीज, जहां पर इसका जो एंथ टर्म आएगा, एंथ टर्म का फार्मूला होगा वन अपॉन टू पाई आई एफ डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस ए पावर एन प्लस वन डी डब्ल्यू, और ये जो डब्ल्यू पॉइंट है ये इस एन्यूलर में लाई करेगा, है ना, इस एन्यूलर रीजन में लाई करेगा, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन क्या है एनालिटिक है, राइट। और बी एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई एफ डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस ए पावर माइनस एन प्लस वन डी डब्ल्यू। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम एन और बी एन की वैल्यू निकाल के हम इसको एक्सपांड करते हैं, राइट। सो अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। सो आप क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू, आपको यहाँ रीजन दे रखा है, इस रीजन में आपको क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है, क्लियर है। सो देखिए हम क्या करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं, जेड स्क्वायर तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा जेड माइनस वन जेड माइनस टू। नाउ हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू का आएगा ए अपॉन जेड माइनस वन प्लस बी अपॉन जेड माइनस टू, जहाँ जेड है वहाँ ए वन रखने पर ए जीरो हो रहा है, वन यहाँ रखिए तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी आपके माइनस वन, और जेड की जगह बी टू रखने पर बी जीरो हो रहा है, इसको छुपाइए तो बी की वैल्यू आपके पास आएगी टू। सो ये ए और बी की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, सो एफ जेड इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन एंड टू अपॉन जेड माइनस टू, राइट। सबसे पहला रीजन लेते हैं हम यहाँ पे, हमें फर्स्ट रीजन दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉरी दिस इज जीरो, सो जीरो से बड़ा है और एक से छोटा है, क्लियर है। सो देखिए आप जेड एक से छोटा, और मैं आपको बता दूं यहाँ हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने वाले हैं। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, किसी का भी मैं एक्सपेंशन करें तो जो भी, देखिए आप, मैं आपके सामने फार्मूला बताता हूँ, वन प्लस एक्स का इन्वर्स होता है, एक होता है वन माइनस एक्स का इन्वर्स, राइट। तो ये अगर हम इसकी बात करें तो वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ऐसा आता है, ये आता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये जो एक्स है ये एक से छोटा होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। ये जब लॉरेंट सीरीज को मैं एक्सपांड करें तब ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उसकी जो वो है, जो भी फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, जेड जो आ रहा है वो क्या आना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए, मतलब जो टर्म होनी चाहिए वो एक से छोटी होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखिए आप, ये जो एफ जेड है ये देखा आपको माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस टू अपॉन जेड माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखा कि जेड जो है वो एक से छोटा है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको इस केस में कांस्टेंट को कॉमन निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे कांस्टेंट को कॉमन निकालेंगे, मतलब यहाँ से माइनस वन कॉमन निकलेगा तो ये आएगा वन अपॉन वन माइनस जेड, और यहाँ से माइनस टू कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा वन माइनस जेड। अब देखो जेड अगर एक से छोटा है तो जेड बाई टू भी एक से छोटा ही होगा, तो हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं, राइट। तो देखिए आप क्या करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू ये आएगा वन माइनस जेड का इनवर्स
माइनस वन माइनस जेड बाई टू का इन्वर्स, उसको खोलेंगे हम तो ये हमारे पास जो टर्म आएगी वन प्लस जेड स्क्वायर चलता रहेगा, और इसकी जो टर्म आएगी वो आएगी आपके पास माइनस वन प्लस जेड बाई टू जेड स्क्वायर बाय फोर। इस तरह से उसको एक्सपेंशन करेंगे, अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जेड पावर एन, या छोड़ो आप इतना ही काफ़ी है। सो दिस इज द आंसर। नाउ अब क्या करेंगे हम, सो चाहो तो आप साथ में लेके लिख सकते हो, राइट ये आप कर लेना। सेकेंड वाला देखिए आप क्या कर रखा है यहाँ पे, मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू टू। अब जेड एक से बड़ा है और दो से क्या है यहाँ पे छोटा है। अब एक से बड़ा और दो से छोटा है तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये इसको पकड़े, इस वाले पोर्शन को लीजिए, ऐसा लीजिए ठीक है। अगर ये एक से बड़ा है तो बेटा इस जेड को मैं डिवाइड करता हूँ तो वन बाय जेड एक से छोटा होगा कि नहीं होगा, तो आपको जहां पर वन और जेड है वहां पर वन बाय जेड बनाना है, क्लियर है। तो दिस इज अ ट्रिक है ना, आपको मैं ट्रिक समझा रहा हूँ कि क्या करना है। सो दिस इज माइनस जेड माइनस वन प्लस टू अपॉन जेड माइनस, मतलब हमें वन बाय जेड बनाना है तो यहाँ से हम जेड कॉमन लेंगे। स्टूडेंट को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर कब जेड कॉमन लेना है कब क्या लेना, तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ। तो ये आएगा आपके पास वन अपॉन वन बाय जेड। अब इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं क्योंकि वन बाय जेड क्या होता है, एक से छोटा होता है। अब इधर देखिए आप, यहाँ पे हमें दूसरा क्या देखा है, मॉड जेड इज लेस देन टू, राइट। इट मीन्स क्या हो गया, जेड बाई टू इज लेस देन वन, तो यहाँ पे जेड और टू में हमें टू कॉमन लेना है ताकि जेड बाई टू एक से छोटा हो जाए, तो माइनस टू कॉमन निकालेंगे। सो माइनस टू कॉमन निकालेंगे तो वन माइनस जेड बाई टू का इन्वर्स, हाँ उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एफ जेड माइनस वन बाय जेड, वन माइनस वन बाय जेड का इन्वर्स, और ये टू से टू कैंसिल, वन माइनस जेड बाई टू का इन्वर्स। ना इसको खोलेंगे हम, सो खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए आप मैं इसको हटा देता हूँ। सो एफ जेड इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, सो खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस वन बाय जेड वन प्लस वन बाय जेड प्लस वन बाय जेड स्क्वायर, इस तरह से आएगा ये प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे ये आएगा वन प्लस जेड बाई टू जेड स्क्वायर बाय फोर, इस तरह से टर्म आएगी आपके पास। नेक्स्ट आप देखिए थर्ड वाला, थर्ड में क्या दे रखा है, मोड जेड इज दो ग्रेटर देन टू। अब ध्यान दीजिए मोड जेड जो दो से बड़ा दे रखा है, अब मोड जेड दो से बड़ा दे रखा है तो आपकी ध्यान रखना है कि ये जो वाला साइन है ग्रेटर देन वाला साइन यहाँ पे वन होना चाहिए। दैट इज हमें यहाँ पे क्या करना है, इस जगह क्या करना है, मतलब यहाँ पे वन करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ टू इज लेस, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, और यहाँ पे वन करना है तो इट मीन्स क्या होगा, टू बाई जेड इज लेस देन वन। और हम जानते हैं कि टू बाई जेड लेस देन वन है तो 100% वन बाय जेड भी क्या होगा, लेस देन वन होगा। मतलब दोनों में ही आपको क्या करना है, जब हम एफ जेड लिखेंगे, क्वेश्चन देखिए आप एफ जेड क्या दे रखा है आपको, एफ जेड ये रहेगा आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस टू अपॉन जेड माइनस टू। तो हम यहाँ से भी जेड कॉमन लेंगे, यहाँ से भी, ताकि हम माइनस वन बाय जेड बन जाए और टू बाय जेड बन जाए, दोनों एक से छोटे हैं, राइट। सो क्या आएगा देखिए, एफ जेड यहाँ पे हम जेड कॉमन लेंगे तो माइनस वन अपॉन जेड वन माइनस वन बाय जेड, और यहाँ से हम जेड कॉमन लेंगे तो ये आएगा टू बाय जेड वन अपॉन टू माइनस, सॉरी जेड कॉमन लेंगे तो वन माइनस टू बाय जेड, सो दिस इज टू, राइट। नाउ इसको खोलेंगे हम तो ये आएगा एफ जेड इज इक्वल टू माइनस वन बाय जेड माइनस वन अपॉन वन बाय जेड का इनवर्स प्लस टू बाय जेड वन माइनस टू बाय जेड का इनवर्स। नाउ इसको खोलेंगे हम तो एफ जेड इज इक्वल टू माइनस का वन बाय जेड, खोलेंगे तो क्या आएगा वन प्लस वन बाय जेड प्लस वन बाय जेड स्क्वायर, इस तरह से टर्म आएगी। और यहाँ पे आएगा ये टू बाय जेड वन प्लस टू बाय जेड एंड टू का स्क्वायर दैट इज फोर बाय जेड स्क्वायर, इस तरह से इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। ये जो लास्ट वाला है मैं इसको अगले में समझाता हूँ आपको, या लास्ट वाला चलो इधर ही देख लीजिए आप, मैं ही समझा देता हूँ आपको, है ना। सो लास्ट वाला आप क्या करेंगे, आपको यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, जो फोर्थ रीजन दे रखा है वो आपको दे रखा है, दैट इज जेड प्लस वन इज लेस देन जीरो से तो बड़ा है और दो से छोटा है। तो ये वही टेलर सीरीज में मैंने आपको समझा, वही कंसेप्ट लगेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जेड प्लस वन है, लेट जेड प्लस वन को आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, है ना। अगर इसको मैंने टी माना है तो यहाँ पे कितना होगा, जेड की वैल्यू कितनी होगी, टी माइनस वन। अब ये जो आपको दे रखा है इसको आप लिख लीजिए, सो मैं इसको लिखूंगा एफ टी इज इक्वल टू माइनस वन, जहाँ पे जेड है वहाँ क्या रखूंगा मैं, टी माइनस वन, तो ये आएगा टी माइनस टू, और यहाँ रखूंगा टी माइनस वन, तो ये आएगा आपके पास टू अपॉन टी माइनस थ्री। नाउ एफ टी, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको हमने टी मान लिया तो यहाँ से ये आ गया मॉड टी इज लेस देन टू। आप जानते हो अगर ये, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे साइन वन आना चाहिए, दैट इज ये एक से छोटा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टू से डिवाइड कर देंगे
तो z t by 2 is less than 1, अगर t by 2 1 से छोटा है, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, t by 2 अगर 1 से छोटा है तो t by 3 भी 1 से छोटा होगा, तो हम यहाँ से भी 2 और यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, सो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो माइनस 2 बाहर निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस t by 2, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस t by 3, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे, सो एफ टी इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1/2 1 माइनस टी बाई 2 का इनवर्स माइनस 2/3 1 माइनस टी बाई 3 का इन्वर्स, एंड देन इसको हम एक्सपांड करेंगे, सो क्या होगा देखिए आप यहाँ पे खोलेंगे इसको हम, सो एफ टी इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस टी बाई 2 टी स्क्वायर बाय 4, है ना, इस तरह से टम आती जाएगी, माइनस 2/3 1 प्लस टी बाई 3 टी स्क्वायर बाय 9, इस तरह से को हम यहाँ पे खोलेंगे, राइट। अब फाइनली टी की जगह वापस क्या रख दीजिए आप, जेड रख दीजिए, सो ये आएगा आपके पास 1/2 1 प्लस जेड की वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू आएगी यहाँ पे जेड प्लस 1 अपॉन 2 जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस माइनस 2/3 1 प्लस जेड प्लस 1/3 जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 9, इस तरह से इसको हम एक्सपांड करेंगे। सो स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक पे लेता हूँ फिर बनाने पड़ते हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे लॉरेंट सीरीज के ऊपर कि कैसे इसको इसका एक्सपांड करते हैं, पर यहाँ पे अगर हमें एक्सपांड करना है तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे ऊपर और नीचे की पावर क्या है सेम है, तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, तो पहले आप उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, जेड स्क्वायर माइनस 4 को डिवाइड करेंगे इससे और इसको खोलेंगे तो आएगा जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम जाएगा, सो दैट इज जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, और इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, सो ये से ये कैंसल और ये आपके पास आया माइनस का 5z माइनस 8, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, तो एफ जेड इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए मैं आपको तरीका लिखाता हूँ, तरीका बताता हूँ, तरीका क्या होता है देखिए, आप अगर 3 को डिवाइड कर रहे हैं 17 में कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा, दैट इज 15, 2 बचा, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 5 बार तो गया अब 2 में जाएगा, किसका जाएगा 3 का जाएगा, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 17/3, राइट, तो ऐसे हम ये लिखने वाले हैं, कितनी बार डिवाइड जाएगा, डिवाइड कितनी बार गया 1 बार गया, अब किस में जाएगा, इसका जाएगा, है ना, इसमें जाएगा, है ना, तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, किसका जाएगा, इसका जाएगा, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, तो इसका जो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो ये आएगा। नाउ अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको लिखेंगे अपन 5z प्लस 8, क्या लिखूंगा मैं, जेड प्लस 1 जेड प्लस 4, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा आपको, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 5z प्लस 8 अपॉन जेड प्लस 1 जेड प्लस 4, ये आएगा a अपॉन जेड प्लस 1 एंड b अपॉन जेड प्लस 4, इस z की जगह क्या रखो कि a 0 हो जाए, माइनस 1, माइनस 1 रखिए यहाँ पे, सो माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 5 प्लस 8 दैट इज 3, और यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो ये भी 3 दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ z की जगह क्या रखेंगे, b 0 हो जाए माइनस 4, माइनस 4 यहाँ रखेंगे तो 5 4 से 20, तो ये आएगा 20 और 8 28, और यहाँ 4 रखेंगे दैट इज माइनस 4 रखेंगे तो माइनस 4 रखने पर ये आएगा आपके पास माइनस का 3, सो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। नाउ ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ए की वैल्यू आ रही है आपके पास 1 दैट इज 1 अपॉन जेड प्लस 1, और बी की वैल्यू आ रही है आपके पास, जेड की जगह माइनस 4 रखा ना, सॉरी दिस इज नॉट राइट, माइनस 4 रखा, सो माइनस 4 रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएंगी, माइनस 4 माइनस 20, माइनस 20 प्लस 8 दैट इज माइनस का 12, और यहाँ भी माइनस 4 रखेंगे दैट इज माइनस 3, सो दिस इज इक्वल टू 4, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 4, और माइनस अंदर चला जाएगा तो 4 अपॉन जेड प्लस 4, सो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैं फिर से लिख दूँ एफ जेड की जो वैल्यू आएगी आपके पास 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 4। नाउ फर्स्ट रीजन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, मोड जेड इज, देखो जेड एक से ऑलरेडी छोटा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे इसको यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे दिया आएगा 1 प्लस जेड और ऊपर जाके इनवर्स, यहाँ से हम 4 कॉमन निकालेंगे क्योंकि जेड एक से छोटा है तो जेड ऑलरेडी एक से छोटा है, तो यहाँ 1 बनाना पड़ेगा इसलिए 4 कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आएगा 1 अपॉन जेड प्लस 4 ऊपर जाके क्या हो गया इनवर्स। ना इसको खोलेंगे आप
ये आएगा एफ जेड इज इक्वल टू वन एंड देन वन प्लस जेड वन माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा और यहाँ आएगा आपके पास वन माइनस जेड बाय फोर जेड स्क्वायर बाय 16 इस टाइप से सीरीज चलेगी। नाउ सेकेंड आपको ये बोल रहा है कि वन से तो बड़ा है पर फोर से छोटा है, तो मैं आपको बता दूं वन से बड़ा है तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे वन होना चाहिए, तो यहाँ पे वन होना चाहिए तो जेड को नीचे लेंगे तो वन बाय जेड इज लेस देन वन और यहाँ पे वन होना चाहिए तो यहाँ से क्या होगा मॉड जेड अपॉन फोर इज लेस देन वन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे जो यहाँ वाला है यहाँ से हम जेड कॉमन निकालेंगे और यहाँ से हम फोर कॉमन निकालेंगे। क्लियर, ये ध्यान देने की जरूरत है। सो एफ जेड इज इक्वल टू ये आएगा वन और यहाँ से जेड कॉमन निकाला तो वन अपॉन जेड ये बनेगा आपके पास वन अपॉन वन बाय जेड और ऊपर जाके इनवर्स यहाँ से हम 4 कॉमन निकालेंगे सो 4 से 4 कैंसिल 1 और यहाँ पे ये बनेगा 1 प्लस जेड बाय 4 का इनवर्स को खोलेंगे हम। सो एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय जेड माइनस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर इस तरह से एक अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा माइनस 1 माइनस जेड बाय 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 16 इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। नाउ हमारे पास जो सी वाला पॉइंट है दैट इज सी पॉइंट में आपको दे रखा है कि जेड क्या है एक से मतलब चार से बड़ा है, जब भी ऐसा आता है तो मैं आपको बताया यहाँ पे वन आना चाहिए तो यहाँ पे वन आना चाहिए तो हम क्या करेंगे फोर बाय जेड एक से छोटा होगा, अगर फोर बाय जेड एक से छोटा है तो वन बाय जेड भी एक से छोटा होना चाहिए। सो हम दोनों केसेज में यहाँ से भी जेड कॉमन लेंगे और यहाँ से भी जेड कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा यहाँ से z को मन लूँगा तो 1 माइनस 1 बाय जेड तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस 1 बाय जेड का इनवर्स और यहाँ से भी z को मन लूँगा तो ये आएगा आपके पास माइनस का 4 बाय जेड 1 प्लस 4 बाय जेड का इनवर्स। राइट, दोनों से z को मन ले लिया, इसको एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा आपके पास एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय जेड 1 माइनस 1 बाय जेड 1 बाय जेड स्क्वायर अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा माइनस फोर बाय जेड यहाँ भी अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा तो ये आएगा 16 अपॉन जेड स्क्वायर। सो दिस इज द सीरीज। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया कि लॉरेंट सीरीज को हम किस तरह से लॉरेंट सीरीज की जो कंसेप्ट है इसके हेल्प से कैसे हम एक्सपांश करते हैं गिवन रीजन के अंदर जहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको गिवन है। सो मुझे लगता है आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी जो भी वीडियोस बना रखे हैं रेसिड्यू थ्योरम है कोचेन इंटीग्रल थ्योरम है कॉन्टर इंटीग्रेशन है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन बाय द मेलने थॉमसन मेथड है रिमान कोचेन रिमान है तो ये सब आप वीडियोस देख सकते हैं यहाँ पे आई टिप के अंदर। और इससे पहले मैंने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पे डिफरेंशियल कैलकुलस पे मैट्रिसेस पे फूरियर सीरीज पे ये सभी वीडियोस पार्शियल डिफरेंशिएशन पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे सो आप लोग ये सभी वीडियोस भी मेरे यहाँ पे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स मुझे लगता है मेरी वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट शेयर और जो यहाँ पे बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें सो दैट कि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैंने 10th 11th 12th पे भी वीडियोस डालना स्टार्ट किया, कोई आपका फ्रेंड हो या आपका भाई हो उसको जरूर आप सजेस्ट करें मेरी वीडियोज़ के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।